देखते हैं। देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में अगर मैं बात करूं कि रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है हमारा किसी भी एरर को ठीक करना, यानी किसी भी काम को ठीक करने को हम रेक्टिफाई वर्ड से डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम अकाउंट्स को ठीक करेंगे रेक्टिफिकेशन में, और एरर मतलब गलती और रेक्टिफिकेशन मतलब ठीक करना। तो नॉर्मली मान लो आप सब क्या करते हो रेक्टिफिकेशन में, अगर आपसे कोई एरर होता है रजिस्टर पे काम करते टाइम पे, तो आप क्या करते हो, उस रजिस्टर के पेज को निकाल देते हो। और आपने पेज को निकाल दिया, आपने सोचा कि आप दोबारा राइटिंग करने लग जाते हो, तो आपके हिसाब से ठीक हो गया। इसी तरीके से नॉर्मली अगर और भी कोई काम गलत होता है आपका, कोई फाइल वगैरह बन जाए अगर कंप्यूटर में, तो आप उसको डिलीट कर देते हो, एक्स्ट्रा फाइल बन गया। मोबाइल फोन में कुछ एप्लीकेशन डाल लिया, नहीं डालना था, तो आप उसको कैसे ठीक करोगे, डिलीट कर देते हो। लेकिन जो हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, ईआरपी, टैली और एक उससे बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे सॉफ्टवेयर में डिलीट का कोई ऑप्शन नहीं होता, उसको ठीक करना पड़ेगा। और किसी भी एरर को ठीक करने का तरीका क्या है, उसको एंट्री को रिवर्स करो, यानी पहले उस एंट्री को जीरो करो और फिर सही से एंट्री करो। जैसे मैंने, सपोज करो मैंने लिखा यहां पे सेल्स टू कैश, आपको अच्छे से पता है सर ये एंट्री तो गलत है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है आपका ये तो, क्योंकि सेल्स क्रेडिट होना चाहिए इनकम, आपने डेबिट, तो इसको ठीक कैसे करेंगे, पहले इस एंट्री को रिवर्स करेंगे। यानी रिवर्स कैसे करेंगे हम, ये तो हमने अभी इस एंट्री का इफेक्ट को खत्म किया है, अभी ठीक हो गया क्या, नहीं, सेल्स की एंट्री तो अभी भी आपने नहीं दिखाई, इस एंट्री को आपने कर दिया था, और उसके बाद ये एंट्री क्या प्रूफ करता है कि अभी इसको खत्म किया है आपने, क्या सही एंट्री कर दिया आपने, सही एंट्री एक बार और करना पड़ेगा आपको, कैश टू सेल्स, ठीक है ना। यानी कोई भी मिस्टेक, हमें किसी भी एंट्री को ठीक करने का तरीका क्या है, अगर क्रेडिट में डेबिट में हमने कर रखा हो तो ठीक उसे क्रेडिट करके किया जा सकता है, लेकिन अगर आपने क्रेडिट में किया हो तो डेबिट करके ठीक किया जा सकता है। अब अमाउंट की बात करते हैं, अगर डेबिट में आपने सेल्स 100 रुपए का था, या आपका मान लेते हैं डेबिट में 100 रुपए लिखना था, गलती से 10 लिखा, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करोगे, मान लो मैंने लिखा सैलरी टू कैश, 100 रुपए लिखना था बट मैंने 10 10 रुपए लिखा, आप बताओ ठीक करने के लिए क्या करें, सैलरी में 90 रुपए और जोड़ना पड़ेगा, तो अब मुझे डेबिट को क्रेडिट नहीं करना पड़ेगा, अमाउंट ऐड करना पड़ेगा, तो अब मुझे यहां पे और सैलरी एक बार एंट्री करना पड़ेगा। हमें ऐसे नहीं करना, एक जीरो लिख दिया वो तो एंट्री चला गया, अब ठीक कैसे करेंगे हम, एक बार और एक एंट्री करेंगे सैलरी टू कैश, और वो ठीक हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से हम रेक्टिफाई करेंगे, तो रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है, डेबिट वाले मिस्टेक को क्रेडिट करके भी किया जा सकता है, और डेबिट वाले मिस्टेक को डेबिट करके भी किया जा सकता है, डिपेंड करेगा हमारे सिचुएशन। हमारे दो टाइप के यहां पे एरर देखने को मिलेगा हमें, एक मिलेगा टू साइडेड एरर, एक सिंगल साइडेड एरर। सर अब ये टू साइडेड एरर क्या होता है, जहां पे गलती आप डेबिट में भी करोगे और क्रेडिट में भी करोगे, या तो डेबिट में नाम लिखने में गलती करोगे या फिर अमाउंट लिखने में गलती करोगे, दोनों जगह में से कोई भी। सिंगल साइडेड एरर क्या होता है, एक ही जगह मिस्टेक करोगे, या तो क्रेडिट में या फिर डेबिट में, तो इसकी तो हम बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल नहीं कर रहे, एंट्री करते करते आ जाए तो कोई बात नहीं। बाकी मैं इसके अंदर, अब बहुत सारे इसके अंदर मैं एग्जाम्पल लूंगा, उसको देखना है और आपको बताना है। पहले हम एक, जैसे जैसे मैं बोलूंगा कि इस तरीके से आपने करना है, वही स्टेप फॉलो करना है। जैसे मैंने एंट्री लिखा है यहां पे, एंट्री नंबर वन गुड्स सोल्ड टू राजा, राजा को मैंने सामान बेचा रुपीस 1000, बट
रिकॉर्ड एज परचेज। अब आपको इस स्टेटमेंट को देख के अच्छे से पता चल रहा होगा कि हमें करना क्या चाहिए था और हमने किया क्या। हमने बेचा है सामान, लेकिन गलती से मैंने बेचने की जगह पे क्या कर दिया, खरीदा है। गलती पता चल रही है। और आपको गलत एंट्री भी पता होगा खरीदने का क्या करते हैं, बताओ। खरीदने का उधार, पहले सबसे पहले तो क्रेडिट पे है, तो उधार खरीदने की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राजा, यहां पे लिखा है तो राजा आ जाएगा। और बेचने की एंट्री क्या करते हैं बताओ, राम डेबिट टू सेल्स। तो हम क्या करेंगे, देखो राम राजा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं चार एंट्री यहां पे करूंगा, उस चार एंट्री में से कुछ माइनस प्लस कैंसिल करके एक एंट्री निकालूंगा जो कि निकलेगा रेक्टिफाई एंट्री। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पे राइट एंट्री, करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री। अब करेक्ट एंट्री क्या हो सकता है, आपने सेल्स की है राजा का, तो एंट्री होना चाहिए राजा टू सेल्स, ये करेक्ट एंट्री है, और 1,000 रुपए। अब मैं एक जगह करूंगा इनकरेक्ट एंट्री, इनकरेक्ट एंट्री, इनकरेक्ट एंट्री। अब आपको इनकरेक्ट भी यहां पे समझ में आ रहा होगा क्या होगा, पता चल रहा है, परचेज टू, चलो आपको इनकरेक्ट भी समझ में आ गया। बहुत आसान चैप्टर है ये, ठीक है। दो एंट्री, अगर आपको ये दो बातें समझ में आ रहा है, मतलब आपको चैप्टर समझ में आ रहा है। क्या इस स्टेटमेंट को देख के आप जस्टिफाई कर पा रहे हो ये करेक्ट है ये इनकरेक्ट है, सिंपली। अब हमें थर्ड लेवल पे क्या करना होता है, जो इनकरेक्ट वाली एंट्री है इसको हम उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, रेक्टिफाई एंट्री करने के लिए मैं इसको रिवर्स करूंगा, रिवर्स एंट्री, रिवर्स एंट्री करूंगा मैं इसको। किसको करना है आपको रिवर्स, इनकरेक्ट यानी गलत वाले, रॉन्ग वाले एंट्री को रिवर्स। तो बता सकते हो बताओ, रिवर्स करेंगे तो राजा डेबिट हो जाएगा और परचेज क्या हो जाएगा, तो लो मैं रिवर्स कर रहा हूं, राजा टू बताओ परचेज 1,000 रुपए। कोई हड़बड़ी नहीं करना आपको सीखने में, आराम से तसल्ली से सीखोगे जो कभी भूल ना पाओ, ठीक है। सबसे पहले क्या करा मैंने बताओ, करेक्ट, उसके बाद इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट और करेक्ट हमें स्टेटमेंट को देख के पता चला। उसके बाद इनकरेक्ट वाले को मैंने क्या किया, रिवर्स कर दिया। अब हमें इसके अंदर से एंट्री को निकालना है। देखो राजा डेबिट और राजा डेबिट, हमेशा एंट्री कट सकता है या माइनस हो सकता है क्रेडिट डेबिट वाला, ठीक है। अभी तो मैं सिंपल यहां पे अभी बहुत सारे एग्जांपल लूंगा मैं, राजा डेबिट और राजा डेबिट दोनों डेबिट है, तो अब निकालूंगा मैं यहां से कौन सा है, रेक्टिफाई एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री। अब रेक्टिफाई एंट्री करने जा रहा हूं, तो राजा 1,000 रुपए से डेबिट और राजा 1,000 से, तो मैं यहां एंट्री करूंगा, देखो राजा। अभी बहुत सारे मन में डाउट आएंगे, बस मुझे तीन चार एंट्री करने देना, सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। राजा डेबिट 2,000 हो गया, क्यों भाई 2,000 हुआ, यहां भी डेबिट यहां भी डेबिट 2,000। सर अगर ये डेबिट और यहां क्रेडिट होता तो जीरो हो जाता डेबिट। इसके बाद यहां पे क्रेडिट में सेल्स, ये लो जी सेल्स, कितने का सेल्स, 1,000 रुपए। ये दोनों पॉइंट्स कवर कर चुके हैं यहां पे या नहीं कर चुके हैं। अब इसके अंदर दोनों पॉइंट कवर नहीं हुआ, सिर्फ राजा हुआ, अभी परचेज स्टिल पेंडिंग क्रेडिट में, तो टू परचेज 1,000, ये मेरा रेक्टिफाई एंट्री है। एग्जाम में आपको चारों एंट्री नहीं करना, सिर्फ ये एंट्री करना है, अभी मैं सिखा रहा हूं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आप भी डायरेक्ट एंट्री करने लग जाओगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलो
एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर टू। गुड्स परचेज फ्रॉम राम रुपीज 1000, बट रिकॉर्ड एज या बट रिकॉर्ड एज एज परचेज रिटर्न मैंने सामान बेचा, लेकिन गलती से मैंने क्या ले लिया, परचेज रिटर्न लिख लिया। ठीक है, चलिए करेक्ट एंट्री देखते हैं। करेक्ट एंट्री क्या होगा, सबसे पहले तो करेक्ट करना होगा। करेक्ट एंट्री कोई बता सकता है? करेक्ट एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, परचेज टू राम, ये करेक्ट एंट्री होना चाहिए 1000 से। इनकरेक्ट बता सकते हो? राम टू परचेज रिटर्न, बिल्कुल ठीक, इनकरेक्ट एंट्री होगा। इनकरेक्ट एंट्री राम डेबिट टू परचेज रिटर्न, अमाउंट 1000। अब थर्ड स्टेप क्या होता है सोचो आप। रिवर्स, रिवर्स एंट्री कर पाओगे आप इसको? परचेज रिटर्न टू राम 1000। ठीक है, अब रेक्टिफाई करेंगे, दोनों में से निकालेंगे। चलो दोनों में से मैं रेक्टिफाई एंट्री निकालने जा रहा हूं। रेक्टिफाई एंट्री परचेज डेबिट, यहां कोई परचेज डेबिट नहीं है, तो परचेज डेबिट एक हजार, राम क्रेडिट, और यहां भी राम क्रेडिट, जैसे मर्जी कर लो, और परचेज रिटर्न भी डेबिट है, तो मैं परचेज रिटर्न भी डेबिट कर देता हूं। डेबिट 1000 और टू राम, राम यहां भी क्रेडिट है, यहां पे भी क्रेडिट है, तो अमाउंट 2000। ये रेक्टिफाई एंट्री है। ठीक है, यानी अगर क्रेडिट क्रेडिट डबल हो जाए तो भी अमाउंट देखो क्रेडिट में डबल हो गया, और इसमें डेबिट में डबल हो रहा था तो डेबिट में डबल हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। गुड्स सोल्ड टू दीपक रुपीस 1000, बट रिकॉर्ड एज परचेज रिटर्न स्टेटमेंट। समझ में आया? मैंने सामान बेचा दीपक को, लेकिन मैंने मिस्टेक क्या कर दिया, परचेज रिटर्न कर दिया। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको दो बातें तो पता चलना ही चलना चाहिए, रॉन्ग एंट्री और राइट। अगर रॉन्ग और राइट आपका ठीक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं करेक्ट एंट्री कर दूं, राइट एंट्री, करेक्ट एंट्री बता सकते हो? दीपक टू सेल्स, और हेयर अमाउंट क्या आएगा, 1000।
मैं 1,000 ले रहा हूं, अमाउंट कुछ भी हो सकता है। अब चलो एक करते हैं हम, इनकरेक्ट क्या होगा, हमने क्या मान लिया इसको, परचेज रिटर्न। तो अगर परचेज रिटर्न होगा तो मैं एंट्री करूंगा दीपक टू परचेज रिटर्न, ये एंट्री हमारा इनकरेक्ट 1,000 रुपए। इसके बाद हमें एक क्या करना पड़ेगा, रिवर्स रिवर्स एंट्री करना पड़ेगा। बताओ रिवर्स एंट्री क्या हो सकता है, परचेज रिटर्न टू दीपक एक हजार। ठीक है, और इसके बाद अब हम यहां से एक नई एंट्री निकालेंगे, और अगर मैं नई एंट्री यहां से निकालूं तो क्या निकलेगा, देखो ध्यान देना, दीपक डेबिट और दीपक क्रेडिट। पहले तो नाम डेबिट था तो वहां भी डेबिट था, लेकिन यहां अपोजिट हो गया, इसका मतलब ये कैंसिल हो गया, यानी रेक्टिफाई एंट्री जो मैं करने वाला हूं रेक्टिफाई एंट्री जो मैं करूंगा वो क्या होगा, सेल्स क्रेडिट परचेज रिटर्न डेबिट। तो होगा रिटर्न टू सेल्स, ये रेक्टिफाई एंट्री है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको तीन एंट्री करके दिखाया, एक और एंट्री करते हैं एग्जाम्पल में। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। गुड्स सोल्ड ₹1,000। ठीक है, बट रिकॉर्डेड एज परचेज रिटर्न, ₹100। अब बताओ क्या समझ आ रहा है कुछ, मैंने सामान बेचा, देखो ये दोनों आपस में बिल्कुल मिलते जुलते हैं, अमाउंट में गड़बड़ी, कहीं भी एरर हो सकता है यहां पे, और इसको मिला लो आप, बस नाम अलग और अमाउंट अलग कर दिया। मैंने सामान ₹1,000 का बेचा, लेकिन मैंने एंट्री कर दिया परचेज रिटर्न में, एंट्री परचेज रिटर्न में करा तो कोई बात नहीं, वहां पे भी मैंने 1,000 के बजाय ₹100 करे। ये समझ में आ रहा है क्या आपको, करेक्ट एंट्री है। करेक्ट एंट्री क्या एंट्री होगा बताओ, कैश अकाउंट डेबिट सोल्ड और परचेज रिटर्न कर दिया। चलो मैंने यहां नाम थोड़ा मिसिंग कर दिया, गुड सोल्ड टू यहां लिख रहा हूं राम, तो राम टू सेल्स, राम टू सेल्स एंट्री 1,000। ये तो करेक्ट में तो ये होना चाहिए, गलत एंट्री। गलत एंट्री क्या करा मैंने बताओ, बिल्कुल ठीक आपने जवाब दिया मुझे कि सर गलत एंट्री होगा, यानी इनकरेक्ट एंट्री। इनकरेक्ट एंट्री आपने बताया, राम टू परचेज रिटर्न,
अब मुझे अमाउंट का भी थोड़ा बता देना। 100, यही तो इसमें है अलग पहले से। अब क्या करेंगे, रिवर्स? रिवर्स बताओ क्या होगा, रिवर्स? रिवर्स में होगा परचेज रिटर्न टू राम, रिटर्न है ये, ठीक है, 100 रुपए। अब हमें फाइनल आंसर देने का टाइम आ गया है। फाइनल आंसर देंगे इन दोनों को कंपेयर करके। देखो, राम डेबिट में 1000 और राम क्रेडिट में 100। अगर 1000 1000 होता तो कैंसिल कर देता, लेकिन यहां पे ज्यादा कहां बच रहा है डेबिट में, और दोनों को माइनस कर देंगे क्योंकि डेबिट में, यहां भी मैं माइनस ही कर रहा था बट 0 बच गया तो इसलिए काट दिया। यहां पे 1000 रुपए डेबिट में और क्रेडिट में 100 रुपए, इसका मतलब मेरे डेबिट में 900 बच रहे हैं। तो मैं यहां एंट्री करूंगा राम डेबिट। ये कौन सी एंट्री करने जा रहा हूं मैं, रेक्टिफाई, रेक्टिफाई राम डेबिट 900 रुपए। किसी को कोई प्रॉब्लम? फिर से देख लो, राम यहां डेबिट 1000 और क्रेडिट 100, डिफरेंस लेंगे तो डेबिट में हमारा बच रहा है 900। इसके बाद डेबिट में थोड़ा शॉर्ट वर्ड लिख रहा हूं मैं, 100, और क्या बच गया, टू सेल्स बच गया। ये हो गया रेक्टिफाई। अब एक क्वेश्चन आया, सर इतने सारे रेक्टिफाई में बींग तो किसी का भी नहीं लिख रहे। बींग हम सब में लिख के कोई फायदा नहीं है, ये वर्किंग नोट के पार्ट है 1 2 3, इसमें बींग लिखोगे? सर बींग क्या लिखेंगे, हर किसी में बींग आएगा, रेक्टिफाई एंट्री पास। हमने क्या करा, रेक्टिफाई एंट्री पास कर दिया, ठीक है। या आप इसके अंदर बींग के अंदर स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, गुड सोल टू राम बट रिकॉर्डेड दिस एंड रेक्टिफाई एंट्री, लेकिन बींग आप सिंपल लिखना, रेक्टिफाई एंट्री पास, क्योंकि हमने रेक्टिफाई करा। कितने एग्जाम्पल देखे हमने, ऐसे करते करते हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। जब हमारे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर बुक के क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा। अभी फटाफट पहले ये नोट करिए आप।